हेलो वेलकम टू इंजीनियर्स करियर प्लेटफॉर्म नेम इज गुरविंदर सो आज का जो मेरा वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है जिसके रिलेटेड काफी स्टूडेंट्स क्वेरीज भी करते हैं कि सर मेरे को तो अपनी स्टेट जेई के लिए तैयारी करनी है मेरे को तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के जेई के लिए तैयारी नहीं करनी है सर मेरे को तो जेके एस एस बी जई टारगेट कर रहा हूँ या मैं पंजाब का जी टारगेट कर रहा हूँ या हिमाचल का जय मेरे को एस एस सी जे नहीं लिखना है या वैसे वर्षा भी सर मैं तो ओनली एस एस टारगेट कर रहा हूं मेरे को अपने स्टेट जे एग्जाम्स नहीं लिखने या वो मेरे टारगेट पे नहीं है तो ये दिस वर्सिज दिस स्टेट गवर्नमेंट जेई वर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट जेई अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो जेई आ जाता है आपका जैसे स्टाफ सिलेक्शन स्टाफ सबॉर्डिनेट जो बॉडीज होती हैं जो कंडक्ट करवाती हैं एग्जाम को या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है किसी भी स्टेट के अंदर राइट जैसे पंजाब में पीटर प्लेस भी है जम्मू <coughs> कश्मीर में जेके भी है हरियाणा का भी जो है एच एस एस सी है ऐसी आपका हिमाचल के लिए अभी जेई के लिए कोई फाइनल नहीं हुआ है कि कौन एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो ये स्टेट का जूनियर इंजीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बात करूं जूनियर इंजीनियर के लिए तो उसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो एस कंडक्ट करवाती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स लाइक सीपीडब्ल्यू हो गया सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके लिए जूनियर इंजीनियर के लिए एस एस एग्जाम कंडक्ट करवाता है एक और इसमें कैटेगरी आ जाती है अगर मैं पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो वो है आपका पब्लिक सेक्टर ऑल्डो की पब्लिक सेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्योरली गवर्नमेंट नहीं है ये और ये बेसिकली कोलाबरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट का लाइक डीएमआरसी डेली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट और डेली गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है तो ये इसमें भी जूनियर इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है पब्लिक सेक्टर एनटीपीसी एनएचपीसी

Uh, अगर मैं पहले सिलेबस की बात करूं देखो जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की बात करेंगे तो उसमें वो स्टेट वाला मैटर नहीं आएगा स्टेट से रिलेटेड जैसे पंजाब में अगर आप कर रहे हो तो रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड और आपका उस स्टेट से जीके से रिलेटेड वो आपको uh, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं पूछेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में अगर जनरल स्टडीज वाला पार्ट आ रहा है तो वो आपका होलिस्टिकली लेके चलेगा नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज करंट और जनरल नॉलेज से रिलेटेड इश्यूज लेके चलेगा लेकिन जब पंजाब का आ रहा है पंजाब आ रहा है हरियाणा आ रहा है हिमाचल आ रहा है तो उसमें वो उसने नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज तो पूछनी है वो ये भी कंसर्न थोड़ा पूछेगा कि जो कैंडिडेट यहाँ के लिए अप्लाई करना चाह रहा है जो इंटरेस्टेड है पंजाब में जॉब करने के लिए या हरियाणा में या हिमाचल में तो उसको उस स्टेट के बारे में कितना का पता है तो वो स्टेट रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं फिर लैंग्वेज अगर पंजाब में काम कर रहे हैं पंजाब में जैसे मेजोरिटी जो काम है वो पंजाबी लैंग्वेज में होते हैं तो उसको पंजाबी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए हरियाणा में हिमाचल में हिंदी में काम होते है तो हिंदी लैंग्वेज का उसको होना चाहिए सिमिलरली स्टेट लैंग्वेज वाला एक मैटर रहता है

अगर मैं अगर ओवरऑल बोलूं सिलेबस का तो मोर देन 90 परसेंट जो चीजें रहती हैं वो सिलेबस का टेक्निकल टेक्निकल नॉन मिला के वो सेम रहती है इससे और सिर्फ इतना सा फर्क रह जाता है जो मैंने आपको बताया अब दूसरा पार्ट आ जाता है सर प्रिपरेशन के लिए बताइए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं सभी लोग ज्यादातर क्रिकेट को फॉलो करते ही है अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि भाई अगर आ, एक किसी एक प्लेयर को अपने आपको टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आपको प्रिपेयर करना है या एक के हिसाब से प्रिपेयर करना है तो अगर वो टी ट्वेंटी गेम अपने डोमेस्टिक के लिए खेल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए सॉरी अपने सॉरी uh, उसके बाद आपका आईपीएल खेल रहा है या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी और अदर कंट्री का लीग खेल रहा है तो मेरे को ये बताइए कि उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कहां फर गया उसको सिंपल सा पता है कि एज ए बैट्समैन मेरे को अच्छा स्कोर करना है और और थोड़ा सा इसमें लॉन्ग हिटिंग रिक्वायर्ड है थोड़ा प्रिपेशन स्ट्रेटेजी मतलब उसका बैटिंग के लिए या बॉलिंग के लिए जो प्रेपेशन स्ट्रेटेजी है चाहे अगर मैं टी लीग की बात करूँ किसी भी स्टेज पे किसी भी लेवल पे वो खेल रहा है कंपटीशन ऑब्वियसली कंपेयर उसी हिसाब से रहेगा कि वो किस एग्जाम के लिए कंपीट कर रहे हैं किस लीग के लिए वो खेल रहा है कंपटीशन अकॉर्डिंगली लेकिन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सेम है थोड़ा बहुत फर्क जरूर आता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहा है या एक अपना कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट खेल रहा है किस टीम के अगेंस्ट खेल रहा है उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है कि उसमें कौन बॉलर है कौन बैट्समैन है उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटीज बनती है अदरवाइज चीजों को बहुत सिंपल रखना जरूरी होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल पढ़ रहे हो फ्लू मैकेनिक्स पढ़ रहे हो पावर सिस्टम पढ़ रहे हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो आप या कोई भी नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसको तो एज ए सब्जेक्ट ही पढ़ना है तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं कि अगर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं सिलेबस मोरलेस सेम रहता है अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो मोर देस मोर देन नाइन नाइन फाइव परसेंट चीजें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके वो सेम रहती हैं तो प्रपेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो प्रोपेशन स्ट्रेटेजी दोनों की सेम रहती है चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं जूनियर इंजीनियर का चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं जूनियर इंजीनियर का अब नेक्स्ट लेवल पे बात आती है कि सर अब मेरे को एक एग्जाम देना चाहिए दोनों एग्जाम देना चाहिए आ, क्या किस तरीके से टारगेट करना चाहिए जैसे मैंने आपको बता दिया और, हर कोई चाहता है अपनी स्टेट में काम करना अपनी स्टेट में जॉब करना हर कोई चाहता है वो उसका मेन प्राइम टारगेट होता है लेकिन स्टेट में के अंदर एक प्रॉब्लम रहती है ये पॉइंट को मैंने पहले भी हाईलाइट किया था कि जब आप स्टेट के मैटर की बात करते हो तो स्टेट में प्रॉब्लम ये है कि वो चीजें जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है आपको पता नहीं है कि एग्जाम कब आएगा स्टेट में थोड़ा सा कंसर्न रहता है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करें एस एस हर साल आना है आर आने का वेट कर रहे हैं हर पांच साल के बाद आता है पब्लिक सेक्टर में थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज जो है वो हर साल निकलती हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी की J की ये सारी निकलती रहती हैं तो अगर मेरा मानना ये है कि अगर आपको प्रिपरेशन के लिए कौन से एग्जाम लिखने चाहिए कौन से नहीं लिखने चाहिए ये आपका आपका कॉल कॉल है है फाइनल लेकिन जितने ज्यादा आप एग्जाम देंगे उतना आपका मोमेंटम बना रहता है उतना आपको एक दिमाग में टारगेट रहता है देखो इन सारी चीजों से पहले तो एक चीज ये ट्रू है कि आपको आठ नौ महीने आठ दस महीने एक बार तैयारी करनी है ढंग से एक बार ढंग से तैयारी हो गया तो उसके बाद आप अपने एग्जाम्स लिखते रहिए लिखते रहिए एक बार तैयारी हो गया मेरे को सर आईपीएल भी खेलना है कोहली आईपीएल भी खेल रहा है कोहली इंटरनेशनल मैचेस भी खेल रहा है बाकी और मैचेस भी खेल रहा है तो ये चीजें तो रिक्वायर्ड है ही है क्यों रिक्वायर्ड है क्योंकि उसको अपना फॉर्म मेंटेन करके रखना है उसको अपना रिदम उसका फिटनेस अपना मेंटेन करके रखना है और उसको टारगेट है कि अब नेक्स्ट टारगेट अभी वर्ल्ड कप ओकेट है नेक्स्ट टारगेट आईपीएल है फिर उसके बाद टी वर्ल्ड कप है फिर उसके बाद नेक्स्ट लीग है तो ये टारगेट्स हैं छोटे छोटे टारगेट लेकिन अल्टीमेट गोल हर किसी किसी भी कंट्री का टीम का वही रहता है कि वो वर्ल्ड कप जीतना यही आपके लिए फाइनल गोल है कि सर मेरे को एस एस में मेरे को एम में जूनियर इंजीनियर जाना है या मेरे को अपनी स्टेट में जूनियर जाना वो मेरा फाइनल गोल है जब तक मेरा वो फाइनल गोल अचीव नहीं हो जाता तो मेरे को बाकी एग्जाम्स देने पड़ेंगे सो दैट कि मेरा मोमेंटम बना रहे मेर, मेरा प्रैक्टिस होता रहे मेरे टारगेट पे रहे और मैं अपने एग्जाम्स क्रैक करता चला जाऊं फाइनल एग्जाम में जा रहे हो तो अगर आप बहुत अच्छा बहुत ज्यादा एग्जाम क्रैक करके जा रहे हो कॉन्फिडेंस बेग मैटर करता है क्योंकि जब आप एग्जाम वाले दिन में जाते हो तो उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस कितने कितने कॉन्फिडेंट हो कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठे हो एग्जाम सेंटर के अंदर वो बहुत मैटर करेगा एग्जाम तीन चार निकाल के आए हो दिमाग में कोई प्रेशर नहीं है कोई बात नहीं होगा कोई बात नहीं नेक्स्ट एग्जाम तो है ही है या मेरी पॉकड़ में दो एग्जाम ऑलरेडी है ही है तो वो एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो नहीं होता है अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स लिखते चले जा रहे हो और क्रैक करते चले जा रहे हो जब आप एक एग्जाम को क्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं ये मैंने बहुत बच्चों के साथ देखा है पहले निकलता नहीं एग्जाम निकल नहीं रहा है सर निकल नहीं रहा है लेकिन जैसे ही एक एग्जाम निकलता तो उसके बाद सारे एग्जाम क्लिक होने स्टार्ट हो जाते हैं मतलब बहुत एग्जाम्स क्लिक होने स्टार्ट हो हैं तो मैं बोलूंगा सारे लेकिन मेजोरिटी एग्जाम निकलते चले जाते हैं उसके पीछे रीजन ये है एक बहुत बड़ी चीज कॉन्फिडेंस प्रपेशन उसका उतना ही है कि तीन चार महीने के अंदर उसने बहुत सारे एग्जाम निकाल दिया प्रिपरेशन का लेवल तो उसने ही रहा है सिर्फ रिविजन ही तो यह है क्योंकि तीन चार महीने ये नहीं हम बोल सकते हैं कि उसने जीरो कर दिया और बिल्कुल जीरो से उठा के उसको फिर से दोबारा से उसमें प्रिपरेशन किया ऐसा नहीं है तो ये सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी मैटर करती है अपने आपको एक बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए पहले टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू देना स्टार्ट करो और एक अपना फाइनल टारगेट लगाओ कि मेरे को फाइनली सर ये चीज को अचीव करना है और उसी तरीके से उसी प्रपेशन स्ट्रेटेजी से आप फॉलो करना स्टार्ट करो पहला स्टेप अपने को प्रिपेयर करो बहुत अच्छे तरीके से दूसरा स्टेप है एग्जाम देने स्टार्ट करो तीसरा स्टेप जो आपका फाइनल गोल है जिस दिन वो अचीव हो गया उसके बाद अगला सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करो तो इस तरीके से आपको अपना प्रिपेशन स्ट्रेटेजी रखना है बाकी इंजीनियर्स करें योरपीडिया पे क्लासेस चल रही है ऑनलाइन